नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज तक हमने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे कि इंस्टाग्राम की कोई भी वीडियो विदाउट वाटरमार्क हम अपने मोबाइल में के गैलरी में कैसे सेव कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब की कोई भी वीडियो हम अपने मोबाइल की गैलरी में कैसे सेव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर इसी के बारे में भी आपको पता करना है तो यही चैनल के ऊपर मैंने इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाई है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। लेकिन आज का टॉपिक है दोस्तों कि हेलो ऐप की कोई भी वीडियो हम अपने मोबाइल की गैलरी में विदाउट वाटरमार्क कैसे सेव कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसी के बारे में मैंने इस वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक्स बताई है कि हेलो ऐप की कोई भी वीडियो आपको जो भी अच्छी लगती हो आप विदाउट वाटरमार्क आपके गैलरी में सेव कर सकते हो, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो विदाउट वाटरमार्क कोई भी हेलो ऐप की कोई भी वीडियो। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो को देखना आपको लास्ट तक, क्योंकि इसी वीडियो के ऊपर मैंने एक ऐसी ट्रिक्स बताई है कि अगर आप वीडियो लास्ट तक देखते हो तो आप भी आपके मोबाइल से हेलो ऐप की कोई भी वीडियो विदाउट वाटरमार्क आप अपनी गैलरी में सेव करके रख सकते हो, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो विदाउट वाटरमार्क। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल पॉसिबल ट्रिक्स मैंने इस वीडियो में बताई है, तो आपको ये वीडियो देखना होगा लास्ट तक। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर देना प्रेस, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए मैं हमेशा इस चैनल के ऊपर लेते आता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सिंपल से दोस्तों, मैं आया हूँ मेरे हेलो ऐप के ऊपर। अगर आप भी आपके मोबाइल में हेलो ऐप यूज करते हो तो सिंपल से हेलो ऐप का कुछ इस तरह इंटरफेस आप सभी के मोबाइल में खुल के आ जाता है। तो सिंपल से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कुछ पोस्ट कोई भी अपलोड कर देते हैं, बहुत सारे एडमिन पेज होते हैं, वो बहुत सारे लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं दिन भर में। तो समझ लीजिए कि इसमें से कोई भी वीडियो हमें अच्छी लगती है तो सिंपल से हम क्या करते हैं, सिंपल से यहाँ पे जाके सेव करते हैं। सेव का ऑप्शन आता है, सिंपल से यहाँ से हम कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद ये बाय डिफॉल्ट अपने गैलरी में हो जाती है वीडियो सेव। सिंपल से वहां पे गैलरी में सेव होने के बाद अगर हमें वही वीडियो किसी दोस्तों के साथ शेयर करनी है तो हम सिंपल से चले जाते हैं गैलरी में। गैलरी में जाने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरह इंटरफेस आ चुका है, इसमें ये वीडियो डाउनलोड तो हो चुके, साथ ही साथ इसमें वाटरमार्क भी आ चुका है। हेलो ऐप का एक लोगो होता है जो राइट साइड में आप देख सकते हो, ये भी आ चुका है। तो इसी के साथ हम किसी दोस्त को शेयर करना है तो ये वाटरमार्क के साथ ही हम शेयर करते हैं। तो आज के बाद दोस्तों, ये करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं आपको, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि आप अगर वीडियो डाउनलोड करोगे हेलो ऐप की कोई भी वीडियो तो आपके हेलो ऐप का ये लोगो नहीं आएगा, साथ ही में कुछ भी वाटरमार्क आपके वीडियो में नहीं आएगा। तो क्या है ट्रिक्स, चलिए आगे मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सिंपल से दोस्तों, जिस तरह ये ऐप हेलो ऐप आप ओपन करते हो तो जिस तरह कुछ वीडियो हमें पसंद आता है तो सिंपल से क्या करना है, ये कोई भी वीडियो की लिंक हमें कर देनी है कॉपी। उससे पहले दोस्तों बता दूं, ये लिंक कॉपी करने के बाद हमें एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिस एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि यह एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है, क्या और ये एप्लीकेशन का नाम है। तो सिंपल से वो एप्लीकेशन जैसे हम इंस्टॉल करके हमारे मोबाइल में रख देते हैं तो एप्लीकेशन हमें कुछ परमिशन मांगता है, जो भी परमिशन एप्लीकेशन हमें मांगता है वो सिंपल से हमें दे देनी है। एप्लीकेशन को परमिशन देने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरह इंटरफेस हमारे एप्लीकेशन का ओपन हो जाएगा। ये एप्लीकेशन में हमें कुछ भी नहीं करना है, ध्यान रखना दोस्तों, इस एप्लीकेशन में कहीं पे भी हमें मेल आईडी, हमारा मोबाइल नंबर कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं करना है। सिंपल से ये एप्लीकेशन हमें अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखना है। इंस्टॉल करने के बाद सिंपल से यहाँ से मैं आता हूँ बाहर, ये एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में सिर्फ इंस्टॉल करके रखना है। इसके बाद हमें जाना होगा वापस से हेलो ऐप में। जाने के बाद जो भी वीडियो हमें अच्छा लगा है वो वीडियो जिसने भी अपलोड किया है सिंपल से उसके नाम के राइट साइड में आप देख सकते हो, जो भी वो वीडियो का अपलोडर होगा उसके राइट साइड में जो थ्री डॉट दिख रहे, सिंपल से मैं यहाँ पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो लिंक शेयर का ऑप्शन मिल चुका है हमें नीचे की तरफ, तो ये लिंक शेयर पे सिंपल से हमें कर देना है क्लिक। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट लिंक हमारे मोबाइल में लिंक कॉपी हो जाता है। तो सिंपल से कॉपी होने के बाद हमें कुछ भी नहीं करना है, जो भी एप्लीकेशन हमने हमारे मोबाइल में इंस्टॉल करके रखा था सिंपल से वो एप्लीकेशन ओपन करना है। जैसे वो एप्लीकेशन हम ओपन करते हैं तो जो लिंक हमने कॉपी किया था ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पेस्ट हो जाता है, हमें यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये ऑटोमेटिकली जैसे हम एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाती है।
तो सिंपल से तरफ आप देख सकते हो नीचे की तरफ हमें डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है, जहाँ पे डाउनलोड जो नाम लिखा है सिंपल से वहाँ पे हमें कर देना है क्लिक। जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं दोस्तों, तो ये वीडियो ऑटोमेटिकली विदाउट वाटरमार्क अपने गैलरी में सेव होने लग जाता है। मतलब कि जो भी वीडियो की हमने लिंक को कॉपी की थी, ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली ये एप्लीकेशन हमारे मोबाइल की गैलरी में विदाउट वाटरमार्क वो वीडियो सेव कर देता है। तो मैं चलता हूँ आपको लेके मेरे मोबाइल की गैलरी में। मोबाइल के गैलरी में जाने के बाद आप देख सकते हो दोस्तों, जो वीडियो हमने वहाँ पे हेलो ऐप में देखा था सिंपल से वही वीडियो विदाउट वाटरमार्क यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है मेरे मोबाइल के फोन के गैलरी में। तो सिंपल से यहाँ से अगर मुझे ये वीडियो कहीं पे भी शेयर करना है तो मैं आसान से यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ विदाउट वाटरमार्क। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक छोटा सा कर देना लाइक। तो अब बात आती है कि वो एप्लीकेशन का नाम और ये कहाँ से डाउनलोड करना है। तो ये दोस्तों एप्लीकेशन का नाम है फीड लाइक, VIDLIKE। तो ये एप्लीकेशन हमें डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। तो मैं चलता हूँ आपको प्ले स्टोर के ऊपर लेके। प्ले स्टोर में जाने के बाद सिंपल से यहाँ पे टाइप करना है VIDLIKE, फिट लाइक। तो आप देख सकते हो जैसे ये कुछ नाम हमने टाइप किया, सर्च करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस हमारे सामने खुलकर आ चुका है। तो एप्लीकेशन का लोगो दोस्तों ध्यान से देखना, यही एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में हमें इंस्टॉल करके रखना है। जैसे हम इंस्टॉल करते हैं कुछ परमिशन देने के बाद, इसके बारे में आगे की सारी ट्रिक्स मैंने इसी वीडियो में आपको बताई है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको बेहद अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर देना प्रेस। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक, गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।